सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय डू चैनल। जिंदा भाई की चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से और एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो पर मैं दोस्तों आप सभी को बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से HDR वाली वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने YouTube पर काफी सारे वीडियो देखे होंगे जो कि इलाइट मोशन, कैपकार्ट, उसके बाद दोस्तों पिकसार्ट, बहुत सारी एप्लीकेशन के मदद से आप लोगों ने HDR वाली वीडियो एडिटिंग देखी होगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप सभी को बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से HDR वाली वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज कृपया करके आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके देखना। तो चलते हैं गाइस, बिना देर के हम लोग अपनी वीडियोस को शुरुआत करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं अभी अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से आज मैं आप लोगों को HDR वाले वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो चलते हैं गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से HDR वाले वीडियो बना सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और बिना स्किप करके देखना, तभी दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इधर से गाइस, मैं अपना जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा काम हम लोग इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से ही करने वाले हैं। तो इंस्टाग्राम को मैं इधर से ऑन कर लेता हूँ। और आप लोग गाइस देख सकते हो, हमारा जो इंस्टाग्राम है इधर से ऑन हो चुका है। और आप लोग गाइस देख सकते हो, ये मेरा खुद का आईडी है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर ट्रांजैक्शन वाला रील्स बनाता हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ऊपर के साइड गाइस आप लोग देख सकते हो, इधर प्लस आइकन दिया हुआ है, तो आप लोगों को सिंपली प्लस आइकन पर टैप कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप लोग इधर से रील्स वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना। और फिर दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इधर से आप लोग डायरेक्टली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकती हो। तो इधर से मैं कोई से भी एक वीडियो को ऐड करूंगा, ठीक है। तो इधर से मैं अपना जो गैलरी है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। और आप लोग गाइस देख सकते हो, हमारा जो गैलरी है इधर से खुल चुका है। तो इधर से मैं कोई से भी एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों इधर से मैं इस वाली वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इधर से मैं ऐड करूंगा। और फिर दोस्तों आप लोगों को इधर से नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही दोस्तों इधर से आप लोग नेक्स्ट करोगे, आपका जो वीडियो है इधर से अपलोडिंग के लिए रेडी हो जाएगा। और ऐसे करके दोस्तों हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो इधर से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो, हमारा जो वीडियो है इधर से आ चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वीडियो का जो साउंड है उसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ताकि वीडियो में कोई भी कॉपीराइट ना आए। तो इधर से मैं साउंड को ऑफ कर लेता हूँ। और उसके बाद इधर से मैं डन कर लेता हूँ। और आप लोग गाइस देख सकते हो, हमारा जो वीडियो है इधर से एकदम नॉर्मल वीडियो है। तो आप लोगों का भी क्या करना होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग ऊपर के साइड देख सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप लोगों को इधर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। और इधर से आप लोगों को इफेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके दोस्तों आप लोगों को इधर से सर्च करना है। तो इधर से आप लोग देख सकते हो, सर्च बटन दिया हुआ है, तो आप लोगों को सिंपली सर्च बटन ऑप्शन पर टैप कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों इधर से आप लोगों को सर्च करना होगा ब्लैक, ठीक है। आप लोगों को इधर से लिख लेना है ब्लैक, तो इधर से मैं लिख लेता हूँ। और आप लोग गाइस देख सकते हो, हमारे सामने बहुत सारा फिल्टर अभी आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर से बहुत सारा फिल्टर आ चुका है। तो इधर से दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है। और आप लोगों के सामने एक फिल्टर मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों लग्जरी ब्लैक, आप लोग यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस वाले फिल्टर को आप लोगों को इधर से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इधर से मैं लग्जरी ब्लैक फिल्टर वाले ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो, हमारा जो फिल्टर है वीडियो में लग चुका है। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से टैप कर लेना है। और फिर दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को इधर से सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो इधर से मैं जल्दी से वीडियो को सेव कर लेता हूँ। और आप लोग गाइस देख सकते हो, हमारा जो वीडियो इधर से सेव हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आप लोग गाइस देख सकते हो, हमारा जो वीडियो इधर से सेव हो चुका है। तो इधर से आप लोगों को बैक कर देना है कुछ इस तरह से। और फिर दोस्तों आप लोगों को उसी वाली वीडियो को इधर से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इधर से मैं अपना जो गैलरी है फिर से ऑन कर लेता हूँ। और ये रहा दोस्तों हमारा वीडियो। तो इस वाले वीडियो को फिर से मैं इधर से टैप कर लूँगा और उसके बाद इधर से नेक्स्ट कर दूंगा। तो इधर से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो, हमारा जो वीडियो है फिर से उसी जगह पर आ चुका है। और अभी फिर से दोस्तों आप लोगों को इफेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है इधर से। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से इधर से सर्च बटन पर टैप कर लेना है। और फिर दोस्तों आप लोगों को इधर से सर्च करना है HDR शार्पेन। तो इधर से मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो आप लोग गाइस देख सकते हो, हमारा जो HDR वाला फिल्टर है इधर से आ चुका है। तो आप लोगों को सिंपली HDR वाले फिल्टर पर टैप कर लेना है।
और आपका जो वीडियो है गाइस इधर से HDR हो जाएगा। जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो है इधर से HDR हो चुका है, और आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो है काफ़ी कमाल का लग रहा है। और आप लोग वीडियो में कलर ग्रेडिंग भी कर सकती हो, तो कलर ग्रेडिंग कैसे करता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और कलर ग्रेडिंग करने के लिए दोस्तों आप लोगों को एक्स्ट्रा एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इधर से मैं वीडियो को सेव कर लेता हूँ और देख सकते हो गाइस हमारा जो वीडियो है इधर से सेव हो रहा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कलर ग्रेडिंग कैसे करना चाहिए HDR वाली वीडियो के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो इधर से सेव हो चुका है, तो इधर से मैं बैक चले जाता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों मैं गैलरी में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा पहले का वीडियो कैसा था और HDR बनने के बाद हमारा वीडियो कैसा बना, ठीक है। तो इधर से मैं पहला वाला वीडियो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो पहले का वीडियो था कुछ इस प्रकार था, एकदम नॉर्मल वीडियो था। और HDR बनने के बाद दोस्तों वीडियो हमारा कैसा बना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। HDR बनने के बाद दोस्तों आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से बना है। आप लोग देख सकते हो इधर से टोटली एकदम HDR में बदल चुका है वीडियो। और अभी दोस्तों कलर ग्रेडिंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को VN एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है, और VN एप्लीकेशन हर कोई यूज़ करता है अभी के टाइम में। तो इधर से मैं अपना जो VN एप्लीकेशन है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों उसी वाले वीडियो को मैं इधर से ऐड करूँगा। तो इधर से मैं जल्दी से वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, और आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो इधर से VN एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। अभी दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग नीचे के साथ देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप लोगों को इधर से फिल्टर ब्लॉसम पर टैप कर लेना है कुछ इस तरह से, और आप लोग गाइस देख सकते हो इधर से बहुत सारा फिल्टर आ चुका है। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है, और आप लोगों के सामने एक फिल्टर मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों L1। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो इस L1 वाले फिल्टर पर आप लोगों को टैप कर देना है। और उसके बाद दोस्तों इधर से आप लोगों के एडजस्ट ब्लॉसम पर चले जाना है, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों के इधर से सेचुरन वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है नीचे के साइड, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से करने के बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से इधर से स्क्रॉल कर लेना है, और आप लोगों के सामने एक ऑप्शन मिलेगा हुई नाम का, जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों नीचे के साइड आप लोगों को कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है, और आप लोग देख सकते हो हमारा जो वीडियो है उसका कलर चेंजिंग हो रहा है। और कुछ इसी तरह से दोस्तों आप लोग HDR वाले वीडियो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो बिना किसी टाइम गवाए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते होगा इधर से आप लोगों को बहुत सारा कलर देखने को मिलेगा। तो इस ब्राउन वाले कलर को मैं इधर से सिलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों इधर से मैं राइट कर दूंगा। और आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो है इधर से HDR में हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों आप लोग इधर से स्नो वाले इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को इधर से 3 नंबर पॉइंट को टैप कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों इधर से स्टॉक फाइल पर चले जाना है आप लोगों को। और उसके बाद दोस्तों आपका जो गैलरी है इधर से खुल जाएगा। तो इधर से मैं स्नो वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, और आप लोगों के सामने एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों ब्लेंडिंग। तो आप लोगों को सिंपली ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है, और इधर से दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन कर देना है। तो इधर से मैं स्क्रीन कर लेता हूँ, और आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो स्नो इफेक्ट है इधर वीडियो में लग चुका है। तो इधर से मैं राइट कर देता हूँ, और इधर से मैं सबसे पहले वीडियो का जो साउंड है उसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो है इधर से कम्प्लीटली हो चुका है, और वीडियो जो है एकदम HDR में बदल चुका है। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों आप लोग HDR वाले वीडियो बना सकती हो बिना किसी टाइम गवाए, बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से। और हाँ दोस्तों, ऐसी वीडियो आप लोगों को YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारा लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग अभी तक HDR वाली वीडियो नहीं बना पाते हैं बहुत सारी रीज़न के वजह से, जैसे कि दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है टाइम के वजह से मतलब कि HDR वाली वीडियो बना नहीं पाते हैं। और बहुत सी लोग ऐसे हैं कि HDR वाली वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बहुत आसान तरीके से दिखाया कि कैसे हम लोग HDR वाली वीडियो बना सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।